विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। खम्मागणी, तो देखो गाइस, अपना जो पार्ट चल रहा था वो राजस्थान कल्चर से संबंधित कला एवं संस्कृति का, तो आज इसके संदर्भ में अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे लोक देवता। तो टॉपिक आज का अपना है लोक देवता। टॉपिक अपना आज का लोक देवता। देखो कि लोक देवता एक होता है लोक देवता, एक होता है पीर। तो पहली बात है कि लोक देवता अपने कहते किसे हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने पर। तो देखो कि एक ऐसा इंसान जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, यानी कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस संसार के लिए गोरक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दे और बाद में आम जनता उसे एक देवता के रूप में पूजने लगे, वो क्या कहलाता है, लोक देवता। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए भी लोक देवता किसे कहेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस मनुष्य प्रकृति के लिए या गोरक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान कर दे और आम जनता उसे जो एक देवता के रूप में पूजने लगे उसे क्या कहेंगे, लोक देवता। अब बात आती है पीर। तो पीर किसे कहते हैं अपने, तो यानी कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा एक मुस्लिम भी करता है वो क्या कहलाते हैं, पीर कहलाते हैं। तो पीर, तो राजस्थान के ऐसे कितने लोक देवता है जो पीर कहलाते हैं, तो वो पंच पीर कहलाते हैं। कितने पीर हैं, पांच पीर हैं। और वो है कौन कौन से अपने आज चेक करेंगे, तो एक लाइन याद रखना, पंच पीरों से पहरा मांगो। क्या लाइन याद रखनी है, पंच पीरों से पहरा मांगो, पैसे पाबूजी। पहला पीर कौन आएगा, पाबूजी। दूसरा हड़बू जी। तीसरा मांगलिया मेहा जी। रामदेव जी और गौ से गोगा जी। देखो गाइज, कई बार ये कांस्टेबल के अंदर सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, और वहाँ पर ऑप्शन मिलता है तेजा जी, क्योंकि तेजा जी राजस्थान के फेवरेट लोक देवता है और लोग सारे कहते हैं कि पंच पीरों में है। तो पंच पीर कौन कौन से, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मिया जी, रामदेव जी और गोगा जी। ये ध्यान में रखना कि राजस्थान के ऐसे पाँच लोक देवता है जो पंच पीर कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मिया जी, रामदेव जी और गोगा जी। इसके बाद में देखो गाइस, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवतार, कि लोक देवता किन के अवतार माने जाते हैं। तो गाइस याद रखना, अवतार उसके लिए भी एक लाइन याद रखना, विष्णु देव, राम बनकर, कल शेष, लक्ष्मण पावे। क्या लाइन याद रखना, विष्णु देव, राम बनकर, कल शेष, लक्ष्मण पावे। अब देखो एक साइड में अपने लिखेंगे लोक देवता और दूसरी साइड में अवतार। तो पहला है देव नारायण जी, और किसका अवतार, विष्णु से, भगवान विष्णु का अवतार। किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का। इसके बाद में राम से, रामदेव जी, और ये भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु के भी और कृष्ण के भी अवतार माने जाते हैं। इसके बाद में कल, ये हेल्पिंग वर्ब कल से, कल्ला जी राठौड़। और शेष से, शेष नाग के अवतार। इसके बाद में लक्ष्मण और पावे, पावे से पाबू जी। और लक्ष्मण के,
तो गाइज एक बार मेरे साथ में रिपीट करो, देव नारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के, और रामदेव जी विष्णु और कृष्ण के, कल्ला जी राठौर शेषनाग के अवतार, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? पाबू जी शेषनाग के, कल्ला जी राठौर। विष्णु जी अवतार किनके? विष्णु और कृष्ण के अवतार कौन माने जाते हैं? रामदेव जी और विष्णु के, देव नारायण जी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आगे अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पूरा लोक देवता ले लो। तो गाइज अपने आगे चलते हैं, थोड़ा सा पाबू जी के बारे में आज बात चर्चा करेंगे अपने, क्योंकि पंच पीरों में पहला स्थान किनका माना जाता है? पाबू जी राठौड़ का। किनका माना जाता है? पाबू जी राठौड़ का, क्योंकि अपने पंच पीरों में से गोगा जी पढ़ लिया था, रामदेव जी पढ़ लिया था, और अब अपने बचे हैं देव नारायण जी, कल्ला जी राठौड़, पाबू जी। पंच पीरों में तो कल्ला जी, पाबू जी बचे हैं, और हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी, ये तीन बचे। इसके बाद में देव नारायण जी, कल्ला जी राठौड़, एक दो पनरा जी वो पढ़ेंगे बाद में। तो पाबू जी राठौड़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो कि इनके बारे में कर्म से याद रखना, किस प्रकार से आप पढ़ोगे याद और रह जाएगा। पहली बात, इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहां पर हुआ? कोलोमंड। कोलोमंड कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर इनका अगर जन्म पूछे तो 1239 ईस्वी कोलोमंड गांव जोधपुर के अंदर। इसके बाद में पिताजी कौन थे? दानदल जी राठौड़। पिता कौन थे? दानदल जी राठौड़। माता कमला दे या कमल दे। माता कौन थी? कमला दे या कमल दे। और पत्नी, इनके दो नाम मिलते हैं, एक तो है सू प्यार दे और एक है फुल्लम दे। इनके कितने मिलते हैं नाम? दो नाम, एक सू प्यार दे और फुल्लम दे, ये दो नाम मिलते हैं इनके। इसके बाद में देखो कि, और ये अमरकोट यानी कि उमराणा के सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, उनकी पुत्री थी, सूरज सिंह सोडा की पुत्री। इनके जीजाजी का नाम याद रखना, जींज राव खिंची। इनके जीजाजी कौन से? जायल नागौर के थे ये। तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है। जन्म कहाँ पर हुआ था? 1239 ईस्वी कोलोमंड जोधपुर। पिता दानदल जी राठौर, माता कमल दे या कमला दे, पत्नी सू प्यार दे या फुल्लम दे अमरकोट की, और जीजा जींजराव खिंची थे। और एक ग्रंथ आया था इनकी, ग्रंथ पाबू प्रकाश। ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश। और किसने, इसका राइटर कौन सा है? आसिया मोड़ जी। इस ग्रंथ का राइटर कौन है? पाबू प्रकाश के, आसिया मोड़ जी। अब देखो गाइज इनके बारे में क्या हिस्ट्री मिलती है हमें, किस प्रकार से इनके बारे में स्टोरी है वो अपने करते हैं, कि इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, गायों के लिए ये कैसे शहीद हुए। तो देखो कि कोलोमंड जोधपुर के अंदर एक चारनी रहती थी, चारनी गायें चराती थी। उसका के गांव के अंदर एक चारनी रहती थी, उसका नाम था देवल चारनी। और देवल चारनी के पास एक घोड़ी थी केसर कालनी। देवल चारनी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। कई किताबों में आपको नाम मिलेगा कि ये जो केसर कालमी घोड़ी है पाबू जी की थी। तो पाबू जी के पास कोई घोड़ी नहीं थी पर्सनल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इनके सहयोगी कौन कौन थे वो भी देखते हैं। सहयोगी चांदा,
डेरा और तीसरा था हरमल, ये इनके तीन सहयोगी थे। अब देखो कि एक साइड में गांव पड़ता है कोलोमंड, ये लो जी, एक साइड में है जायल, एक में बना देते हैं अपने अमरकोट, एक बीच में आप नाम याद रखना देंचो। अब देखो कि इनके जीजाजी जींद राव खिंची जायल से चले यहाँ पर आए कोलोमंड के अंदर, और यहाँ पर पहला ही घर मिलता है किसका, देवल चारणी का, और ये केसर कालमी घोड़ी इनको दिखाई दे देती है। तो ये जो इनके जीजाजी थे जींद राव खिंची, ये इनसे जिद करते हैं कि ये घोड़ी मुझे दे दीजिए, लेकिन देवल चारणी कहती कि घोड़े किसी भी सूरत में नहीं दूंगी। इस प्रकार करते करते दोनों में बहस हो गई। इस बात का पता लगता है पाबूजी को, तो पाबूजी ने बाद में दोनों का बीच बचाव करके और ये इनका सलटारा करवाया। तो ये देखो कि इनके जीजाजी जींदराव खिंची नाराज होकर वापस चले जाते। इसके बाद में पाबूजी की होती है शादी। अब शादी में बुलाएगा तो सही अपने जीजाजी को, तो जीजाजी को बुलाने के लिए भेजा गया लेकिन जीजाजी नहीं आए। लेकिन जो देवल चारणी थी उसने अपनी घोड़ी केसर काल में यहाँ पर पाबूजी को दे दी घोड़ी। घोड़ी देने के बाद में देखो कि इस बात का पता लगता है जींदराव खिंची को, तो ये यहाँ पर कोलोमंड में आक्रमण करता है और देवल चारणी की जो गायें थी उनका क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। और अपहरण करने के बाद में अब देखो कि कोलोमंड से ये डायरेक्ट जाती है अमरकोट, कौन, देवल चारणी गई। यहाँ पर पाबूजी राठौड़ और सुप्यार देके फेरे चल रहे थे, शादी हो रही थी, तो ये जिद करने लगी कि पहले आप मेरी गायों को छुड़ाइए। तो पाबूजी ने कहा कि आप शादी होने दीजिए, एक बार बाद में आपकी गायें छुड़ा दूँ। लेकिन ये देवल चारणी मान नहीं रहे, तो बाद में देखो कि जैसे तैसे करके ये जिद करने लगी। लेकिन यहाँ पर सूरज सिंह सोडा ने कहा कि बहन तू भी मेरी बेटी के समान है, तुझे जितनी गायें चाहिए ले, लेकिन ये जिद्दी थी तो मानी नहीं। तो कहा जाता है कि चौथे फेरे के अंदर पाबूजी यहाँ से जब देंचू गांव पहुँचे तो सामने से ये भी देंचू गांव पहुँच गया, और वहाँ पर आने के बाद में दोनों के मध्य जींदराव खिंची और पाबूजी के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर पाबूजी क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त, यानी कि गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का नछावर कर दिया। तो इनकी समाधि, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, देंचू जोधपुर के अंदर गांव पड़ता है। तो इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समाधि स्थल देंचू कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। देंचू कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। अब देखो कि इनके उपनाम करते हैं, तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि देवल चारणी की गायों को बचाते हुए अपने जीजाश्री से युद्ध करते हुए कहाँ पर शहीद हुए, देंचू, और इनकी समाधि कहाँ पर बनी, देंचू जोधपुर के अंदर। तो फड़ या पड़ का वाचन नायक या थोरी जाति के पुजारी। पड़े या फड़ क्या होती है, कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि किसी कपड़े पर किसी लोक देवता की जीवनी के बारे में दर्शाना वो क्या कहलाती है, पड़े या फड़। तो पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, नायक या थोरी जाति के बोपों के द्वारा, बोपों के द्वारा किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। अब देखो कि जिस प्रकार से रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, कौन सी है, रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, तो ब्यावले गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं, ब्यावले या दोहे। तो इनकी फड़ का वाचन करते समय क्या गाए जाते हैं, फड़ का वाचन पावड़े गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं,
पावड़े गाए जाते हैं, और पावड़े गाए जाते समय कौन से वाद्य यंत्र का? माठ वाद्य यंत्र का। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाबू जी की फड़का वाचन करते समय क्या गाए जाते हैं? पावड़े, और पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि उपनाम, उपनाम से पहले फड़का वाचन क्यों करते हैं, यानी कि सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय, ऊँट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबू जी को। तो ऊंट पालक जाति, रायका या रेबारी, कौन सी है? रायका या रेबारी है। यानी कि ऊंट बीमार पड़ने पर नायक या थोड़ी जाति के बोपों के द्वारा पाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है। अब देखते हैं कि इनके उपनाम, प्लेग रक्षक, ऊंटों के लोक देवता, और तीसरा गौ रक्षक, ये इनके उपनाम है। इसके बाद में पाबू जी के बारे में फड़ हो चुका है राजस्थान में, और इनके मंदिर की अगर बात करें, मुख्य मंदिर की अगर बात करें तो कोल्लूमंड जोधपुर है। कोल्लूमंड जोधपुर, और इनका जो मेला है, मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। और मूर्ति है वो किस प्रकार है? बाला लिए हुए अश्वारोही। और दूसरा मंदिर कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर के अंदर इनका दूसरा मंदिर है। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर। एक बार मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा पाबूजी यहीं पर ही। पाबूजी राठौर का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1239 ईस्वी में। और ये अवतार किनके माने जाते हैं? पाबूजी राठौड़ अवतार किनके माने जाते हैं? अभी मैं करवा के गया हूँ। किसके माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार। और वंशज राव सिया के। किनके वंशज माने जाते हैं? राव सिया के। पिता कौन थे? दांदल जी राठौड़। माता कमल दे, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे, अमरकोट या अमरकोट पाकिस्तान के सूरज सिंह सोडा की पुत्री। जीजाजी जींदराव खिंची। ग्रंथ पाबू प्रकाश, और इसके राइटर कौन थे? आसिया मोड़ जी। सहयोगी चांदा डेरा और हरमल। समाधि देंचु जोधपुर। और देवल चारनी के पास घोड़ी कौन सी थी केसर काल में? घोड़ी कौन सी थी केसर काल में? फड़का वाचन, यानी कि ऊंट के बीमार पड़ने पर फड़का वाचन कौन करते हैं? नायक और थोड़ी जाति के बोपे। कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा? रावण हत्ता। और फड़का वाचन करते समय दोहे को क्या बोला जाता है? पावड़े। और पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को। ऊंट पालक जाति रायका अरेबारी, उपनाम प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता और गौ रक्षक, मंदिर कोल्लूमंड जोधपुर, मेला चैत्र अमावस्या के दिन, मूर्ति बाला लिए हुए अश्वारोही, और दूसरा मंदिर कहां पर है? आहड़ उदयपुर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइज आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लगभग हर संडे को मैं टेस्ट देता हूँ भी। जैसे ही मैं कोई टेस्ट तैयार कर लेता हूँ तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स या यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं उनको मैं देता हूँ। तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, टेस्ट लिखकर और अपना नाम और एड्रेस लिख के मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले टेस्ट मिल जाए और वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।